सब्सक्राइब कीजिए आओ घर सजाएं चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल में आपके लिए ये न्यू डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो दो फंदों से बनाया हुआ है। देखिए इस तरह से, किस तरह से बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। आज मैं आपको ये दो फंदे की डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। देखिए, इसको जाली वाली बूटियाँ बोलते हैं हम। मैंने इसको 10 नंबर की सिलाई से बनाया हुआ है। मैंने यहाँ पे 30 फंदे डाले हुए हैं। किस तरह से बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले पहला वाला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे। देखिए पहला वाला फंदा हमने इस तरह उतार लिया है। धागा आगे की साइड करेंगे और ये दो फंदे लिए हमने। ये दो फंदों के बीच से हमें इस तरह से सिलाई निकालनी है और ये इस तरह से थोड़ा सा लूज करेंगे। फिर से धागा आगे की साइड लेंगे और ये दो फंदों में से हमें फिर से एक बार और इस तरह से 4 फंदे बनाने हैं। देखिए फिर से धागा आगे स्टार्ट करेंगे और दो फंदों के बीच से हमें सिलाई लेनी है। सीधी साइड से ही हमें इसको डिज़ाइन को डालना है। फिर धागा आगे स्टार्ट करेंगे और दो फंदों से ही हमें फिर से इस तरह से हमें, देखिए एक बार और देख लीजिए, धागा मैंने आगे एक साइड किया और ये हम दो फंदों के बीच से सीधी साइड से ही हमको ये दो फंदों के बीच से मैंने इस तरह से सिलाई को डाला। ये जाली लिया, एक जाली जाली वाली बूटी है ना ये, फिर से दोबारा से इसी दो फंदों में हमें फिर से इस तरह से सिलाई को लगाना है। ये देखिए दो के हमारे 4 फंदे हो जाते हैं। फिर हम सिलाई आगे करेंगे, धागा आगे किया और इस तरह से हमें 2 के 4 फंदे करना है। पूरी सिलाई को हम इसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। देखिए आप इस डिज़ाइन को कोई भी कलर में डाल सकते हैं। अब हम पीछे की साइड आते हैं। क्या करेंगे, हम पहला फंदा उतारेंगे इस तरह से और ये मैंने यहाँ पे 4 फंदे थे मेरे जाली वाले, इसको हम दो दो करके बनाएंगे। उल्टा ही उल्टा बनाना है और इसको इस तरह से दो दो करके बनाना है। ऐसे ही हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। आगे साइड से हमारे 2 के 4 हो जाएंगे और पीछे की साइड से 4 के 2 इस तरह से। पूरी सिलाई हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। इस तरह से मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। मेरे पास कई कमेंट आए हैं जो पूछते हैं कि पहला फंदा उतारना जरूरी है, तो मैं आज बताती हूँ हाँ पहला फंदा उतारना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम पहला फंदा उतारते हैं, जो हमारी जो लाइन है इधर की, ये देखिए ये वाली लाइन है जो हमारी एकदम चोटी जैसी बनती हुई आती है, जिसको हम जैसे किसी चीज़ में सिलाई करते हैं तो हमारा इसमें सिलने में, या हम यहाँ से फंदे उठाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा बहुत ही ईजी होता है। इसलिए हमें ये पहला फंदा उतारना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड, आप इस डिज़ाइन को कोई जैकेट में या हाफ स्वेटर में या बच्चों के कुछ ऐसे मफलर टाइप के बनाते हैं उसमें डालने में डाल सकते हैं। बिल्कुल इजी है, 2 फंदे का है। आप इसको कोई भी कलर में बनाइए, ये बहुत ही सुंदर लगेगा और बनाने में भी एकदम इजी है, एकदम सिंपल तरह का है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप इसको कोई भी कलर से बना सकते हैं, सारे कलरों में इसका ये डिज़ाइन स्पष्ट दिखाई देगा। तो फ्रेंड, आपको अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।
अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, अगर आप कर चुके हो तो प्लीज़ ना करें।